अस्सलाम वालेकुम। केजीएन गोट फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 16 अगस्त का दिन है और एक बर्बरी फीमेल हमारे फार्म पे दो बच्चे दिए। देख ये जो देख सकते हैं आप लोग, दोनों ही फीमेल है। आज ही हुआ है, जस्ट एक घंटा पहले दो फीमेल बच्चा है। बर्बरी बकरी इसलिए पालन किया जाता है, ये साल में दो बार बच्चा दे देती है और मिनिमम जो इसका बच्चा का जो क्वांटिटी होता है वो दो से ज़्यादा, दो तीन चार छः बच्चा देने तक का इसका रिकॉर्ड है। CIRG में एक फीमेल ने छः बच्चा दिया था, तो छः बच्चा देने तक का इसका रिकॉर्ड है। लेकिन लमसम में दो बच्चा तो देते ही देती है। तो आज का जो विषय है, आज मैं आप लोगों को कैस्ट्रेशन के बारे में सिखाऊंगा। बधियाकरण, निर्बीजकरण ये क्या होता है, गोट फार्म और किस लिए कैस्ट्रेशन किया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, कैस्ट्रेशन नहीं करने से क्या होगा और करने से क्या होगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखना, अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए आधा अधूरा रह जाएगा और थोड़ा नॉलेज आपको मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैस्ट्रेशन होता क्या है। कैस्ट्रेशन का मतलब है जिसका अंडकोश को हम लोग काट देते हैं, जो बकरी का, तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रेट गोट, जिसको हिंदी में बोलते हैं खस्सी और हमारा जो बंगाली लैंग्वेज है उसको उसमें बोलते हैं खासी। तो कैस्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई एक बकरी है जो मेल है, उसका जो टेस्टिकल व अंडकोश होता है उसको हम लोग काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। ये किया जाता है इसलिए क्योंकि गोट फार्मिंग का जो मेन जो रीज़न होता है वो होता है मीट प्रोडक्शन। तो मीट प्रोडक्शन के लिए इसको हम लोग डेली मार्केट में जो मीट खाया जाता है उसके लिए, खस्सी करने के लिए हम लोग इसको कैस्ट्रेशन करते हैं। और जो इसका जो टेस्टिकल होता है उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होकर के जो बाहर निकल जाता है, इससे क्या होता है जो बकरा का जो ग्रोथ होता है उसमें थोड़ा हैम्पर आ जाता है। जो एक खस्सी बकरा जो वजन जो मीट बना के आपको देगा, तो एक अगर आपका मतलब ब्रीडर हो गया तो उसका वजन और खस्सी का वजन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए हम लोग जो मेल बच्चा हमारे फार्म पे होता है, जैसे कि मान के चलिए इसमें अगर दो मेल होता तो दो इसको हम लोग खस्सी कर देते मीट पर्पज़ के लिए, मतलब ये कटिंग में चले जाता, एक साल के बाद इसको हम लोग खस्सी करके बेच देते। तो दोनों ही फीमेल हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फीमेल आपका फार्मिंग में ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपका फार्मिंग बढ़ेगा। अगर आपका ज़्यादा मेल परसेंटेज आ रहा है तो उससे क्या होगा, आपको फिर अलग से फीमेल ख़रीदना पड़ेगा। तो इसीलिए 1:1 रेशियो अगर रहा, मतलब एक फीमेल और एक मेल अगर आपका आता है, तो इससे आपका फार्मिंग जो है अगले जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ता रहेगा और इसमें आपका मुनाफा ज़्यादा आएगा। तो ये दो ही फीमेल बच्चा आया है, बहुत ही अच्छा है, फॉर सेल के लिए है। अगर किसी को लेना है दो फीमेल के साथ ये बकरी, किसी को लेना है तो फॉर सेल के लिए है अवेलेबल, आप आ सकते हैं हमारे फार्म पर। मिन्नापुर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा फार्म है और जो नाम से KGN गोट फार्म, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फार्म है और एक अकेला ऐसा फार्म है हमारा वेस्ट बंगाल में जो कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फार्म है। और आपको यहाँ पे वैक्सीनेटेड जानवर कोई भी ब्रीड का यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो बात मैं कर रहा था कि कैस्ट्रेशन के बारे में, तो मान के चलिए ये बकरा है, इसको आज हम लोग कैस्ट्रेट करेंगे, मतलब खस्सी करेंगे। तो खस्सी करने का जो कारण मैंने आपको बताया कि इसका बंग्स हम लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मतलब इससे हम लोग और ब्रीडिंग नहीं लेना चाहते, तो ये एक कारण हो गया कि इसका बंग्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए इसको निर्बीजकरण या बधियाकरण या कैस्ट्रेशन कुछ भी बोलिए, इसको खस्सी करना भी बोलते हैं। तो इस ये भी एक कारण है कि इसका हम लोग ब्रीडिंग नहीं लेना चाहते, इसलिए इसको खस्सी कर दे रहे हैं। और एक रीज़न क्या है, जो इसका टेस्टिकल में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो बंद हो जाएगा और बकरा का वज़न ज़्यादा आएगा। और एक कारण क्या है, अगर मान के चलिए आपके फार्म में
20 बकरी ने बच्चा दिया है 1:1 रेशियो में, तो लगभग आपका 20 ब्रीडर वहाँ पे आ जाएगा। और 20 ब्रीडर में आपका मान के चलिए फार्म पे अगर 20 ब्रीडर आपका आ गया, 6-7 महीने का जो ब्रीडर होता है उसका नेचर क्या होता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है वो, हर समय क्या बकरी के ऊपर क्या है उसको, बकरी को परेशान करेगा और जो ब्रीडर है उसको आपका मैनेजमेंट करने में आपको थोड़ा परेशानी आएगा। इसलिए फार्म पे जितना ब्रीडर से आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं उतना ही ब्रीडर आपको रखना पड़ेगा, बाकी जो ब्रीडर आएगा उसको खस्सी करके आपको मीट के लिए सेल कर देना पड़ेगा। तो यही एक कारण है मार्केट में जो मीट हम लोग डेली मार्केट में जो खाते हैं, जो दुकान पे जो मीट बिकता है वो ज़्यादातर खस्सी का ही मीट बिकता है, क्योंकि ये बकरा जो होता है ये क्या करता है, ये पेशाब खाता है, पेशाब खाने के लिए और इसके अंदर से एक हार्मोनल जो सीबम सिक्रिएशन होता है, जैसे कि हम लोगों के अंदर ह्यूमन में क्या पसीना निकलता है, पसीने का एक बदबू होता है, वैसे ही बकरा में एक पसीना निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीबम, और इसी का अट्रैक्शन से जो बकरी आती है वो हीट पे आती है। अगर मान के चलिए किसी के पास 20 बकरी है और उसके पास बकरा नहीं है, तो उसका जो सीबम सिक्रिएशन का जो मतलब ये है उससे बकरी हीट पे नहीं आती। इसलिए बकरा हमेशा गोट फार्मिंग के अंदर आपको रखना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि आप 20 बकरी ले लिया एक भी बकरा नहीं लिया तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी बकरी समय पे हीट पे नहीं आएगी। इसलिए बकरा आपको अवश्य रखना है गोट फार्मिंग के अंदर। और इसको खस्सी करने का यही रीज़न है कि इसका वजन बढ़े, इसका मीट का क्वालिटी अच्छा हो, इसमें चर्बी का जो रेशा होता है जिसको हम चिक्कास बोलते हैं, मीट के अंदर लेयर बाय लेयर चर्बी का जो चिक्कास बनता है वो खस्सी बकरा में ज़्यादातर बनता है और ब्रीडर में कम बनता है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे मतलब ख़त्म होने लगता है। जितना ब्रीडिंग वो करेगा, जितना मतलब बकरी पे ब्रीडिंग करेगा उसका उतना मतलब मीट पे चिक्कास ख़त्म होता जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको खस्सी कर देते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि खस्सी करने का कितना मेथड होता है। तो दो मेथड होता है, एक ओपन मेथड और एक होता है क्लोज मेथड। ओपन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैस्ट्रेशन करते हैं खस्सी सर्जरी के द्वारा, मतलब मान के चलिए इसका जो टेस्टिकल है ये टेस्टिकल को हम लोग सर्जरी करके और इसके अंदर जो आटारी होता है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, जो टेस्टिकल होता है, स्कोटम होता है, सारा को सारा हम लोग क्या करते हैं सर्जरी करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, सिर्फ उसके अंदर का जो आटारी होता है उसको हम लोग सूचर या फिर उसको नॉट लगा करके उसको कट करके निकाल देते हैं, और बाकी सूचरिंग करके 2-3 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, तो उसमें आपका सर्जिकल कैस्ट्रेशन हो जाता है। तो ओपन मेथड और क्लोज मेथड के अंदर आता है बॉडी जो कैस्ट्रेटेड और होता है एक रबर बैंड कैस्ट्रेटर। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और एक कैस्ट्रेशन का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं पिन होल कैस्ट्रेशन। पिन होल कैस्ट्रेशन क्या होता है देखिए, पिन होल कैस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे जो अटारी है देख पा रहे हैं, ये दो टेस्टिकल हो गया, दो टेस्टिकल के अंदर यहाँ पे एक अटारी है, उसको हम लोग यहाँ से पिन करते हैं, यहाँ से पिन करके इधर से निकालते हैं और अच्छा नायलॉन जो सूता होता है नायलॉन सूता से उसको बांध देते हैं, इसको बोलते हैं पिन होल कैस्ट्रेशन। तो ये हो गया आपका पिन होल कैस्ट्रेशन। और एक होता है बॉडी जो कैस्ट्रेटर से जो हम लोग कैस्ट्रेट करते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है, कई सारा वीडियो आप देख सकते हैं उसको। तो वो सबसे आसान और मतलब सबसे सेफ तरीका है बॉडी जो कैस्ट्रेटर से कैस्ट्रेशन करना या खस्सी करना। पिन होल कैस्ट्रेशन से अगर आपको जानकारी है तो पिन होल कैस्ट्रेशन भी बहुत ही सेफ होता है। सर्जिकल कैस्ट्रेशन में आपको थोड़ा जानकारी का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर बकरा बड़ा है, मान के चलिए कोई बकरा मैंने 3-4 साल उससे ब्रीडिंग ले लिया, फिर उसको मैं कुर्बानी में खस्सी करके बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसका सर्जिकल जो कैस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है या तो किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है।
और बाकी जो रह गया आपका ये रबर बैंड कैस्टेशन, जो बिल्कुल नए फार्मर है, गोट फार्मिंग में मतलब नया आया है, उसको बिल्कुल सेफली तरीके से करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका होता है रबर बैंड कैस्टेशन। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही सस्ता आपको मिलता है, देखिए ये एक रबर से एक बकरा खस्सी हो जाता है, और एक रबर आपका आता है बिल्कुल 2 रुपये का, 2 रुपये का एक रबर आता है, मतलब मान के चलिए बहुत ही सस्ते में आपका बकरा खस्सी हो जाएगा और बिल्कुल सेफ, इससे कोई परेशानी नहीं आती है। बस थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 20 से 25 दिन के अंदर उसका टेस्टिकल ऊपर से कट करके नीचे गिर जाता है, और इससे बकरे को कोई परेशानी नहीं होता है। तो यही आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि रबर बैंड कैस्टेशन आप कैसे बकरे में कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये इसका जो मुंह हो गया, इस पे रबर को ऐसे लगाना है, इसके मुंह पे रबर को ऐसे लगाना है, बस ये लग गया और ये तैयार हो गया। अब देखिए इसके अंदर टेस्टिकल को डाल के बस इसके ऊपर में इसको छोड़ देना है। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, जैसे टिंचर आयोडीन, प्रोवोडीन आयोडीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें से कोई एक आप ले लो और उससे उसका पहले साफ सुथरे से आपको होल्ड करना पड़ता है बकरे को, और इसका ये जो जगह होता है इसको आप पहले साफ सुथरा कर दीजिए। सैनिटाइजेशन हो गया, एंटीसेप्टिक लोशन, प्रोवोडीन आयोडीन हमने लिया है यहाँ पे। आप 2 रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे बड़े ही आसानी से आप इसको कैस्टेट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ लाके इसको छोड़ना है और नीचे की तरफ ऐसे दबाना है। देखिए ये हो गया, इसको बोलते हैं रबर बैंड कैस्टेशन। जो स्पर्म प्रोड्यूस होके जो बाहर निकलता है टेस्टिकल के द्वारा, वो भी बंद हो जाएगा, तो इससे बकरा खस्सी हो जाता है। 2 दिन तो आपको इसका जो दर्द के लिए एक मेलोक्सिकम इंजेक्शन, आप 2 से 3 दिन तक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टेक्सामेथासोन 1 ml लगातार 3 दिन, दिन में एक बार इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दे देना, और इंजेक्शन मेलोक्सिकम दर्द के लिए इसको 3 दिन दे देना, तो इससे बकरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, ये हो गया गर्दन, गर्दन के ठीक बीचों बीच ये हो गया निडिल, ऐसे निडिल जाएगा और ऐसे आराम से बकरा बिल्कुल। तो दोस्तों ये बकरा एक कस्टमर ने हमसे ख़रीदा है कुर्बानी के लिए, 1 साल अभी हमारे पास ही रहेगा पलाई पे, और ये कुर्बानी के लिए 1 साल बाद लेके जाएगा हमारे यहाँ से फार्म से, और इसको आज हमने रबर बैंड से कैस्टेट किया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल ये
20 से 25 दिन में यहाँ से कट होके नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सेफ तरीके से रबर बैंड कैस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। Thank you.